बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग खैरियत से ही होंगे। वीवर्स, आज की इस वीडियो में लिख रही हूँ आप लोगों के लिए बहुत स्टाइलिश और ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी टॉप एंड शर्ट्स के डिज़ाइन, जो कि आपको डिफरेंट तरह की फैब्रिक पर बनी हुई नज़र आएंगी। इसमें आप देख सकते हैं नेट पर बनी हुई एम्ब्रॉयडरी की टॉप, कॉटन पर बनी हुई एम्ब्रॉयडरी टॉप, और इसके अलावा शिफॉन के ऊपर भी जो है एम्ब्रॉयडरी टॉप नज़र आएंगे आपको। कुछ शर्ट्स के डिज़ाइन भी हैं। तो शॉर्ट लेंथ, मीडियम लेंथ और लॉन्ग में आपको तीनों ही तरह के डिज़ाइन नज़र आएंगे। मेरा मकसद ये है कि मैं आपको एम्ब्रॉयडरी के डिज़ाइन दिखा सकूँ जो कि आजकल फैशन में हैं और न्यू हैं बिल्कुल। तो ये टॉप बहुत ही खूबसूरत हैं, और इस तरह के टॉप जो हैं आजकल मार्केट में आए हुए हैं, इस तरह के मिल भी जाते हैं। लेकिन ज़्यादा बेटर ये है, मैं स्पेशली जो है ये वीडियो इसलिए लेकर आई हूँ कि आप एम्ब्रॉयडरी के डिज़ाइन देख सकें। इसमें आपको काफ़ी तरह की एम्ब्रॉयडरी के डिज़ाइन नज़र आएंगे जो कि आजकल बहुत फैशन में है। जैसा कि ये देख रहे हैं, जो आप इस वक्त स्टंप वर्क एम्ब्रॉयडरी डबल शेड में हुई भी है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इसके साथ साथ ये पर्ल का थोड़ा सा टच इसमें दिया हुआ है, और ये दूसरी तरह की आप देखें एम्ब्रॉयडरी है। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन है जो आपको नज़र आएंगे। कुछ में आपको रिबन का टच भी नज़र आएगा, और काफ़ी चिकन की एम्ब्रॉयडरी भी नज़र आएगी, डेंडी टांग का, और इस तरह की काफ़ी मिक्स तरह की एम्ब्रॉयडरी है जो आपको इस वीडियो में नज़र आएगी। काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। व्यूवर्स, ये स्लीव्स देखिए आप पर, इस शर्ट के इस पर जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, ये चिकन एम्ब्रॉयडरी है जो कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत से की जाती है। मुझे लगता है कि ये शायद सबसे ज़्यादा मुश्किल एम्ब्रॉयडरी ये तारकशी है, जिसे चिकन एम्ब्रॉयडरी भी कहा जाता है। और जो ये एम्ब्रॉयडरी करने वाली ख़वातीन होती हैं, वो बहुत ही मेहनत से पूरी पूरी शर्ट्स को जो है एम्ब्रॉयडरी से भर देती हैं। इवन के दुपट्टे, शर्ट्स और ट्राउज़र पर भी वो एम्ब्रॉयडरी कर देती हैं, और उन्हें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, क्योंकि उनका ये वर्क जो है उनका समझ लें प्रोफेशन होता है और उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप इस तरह की वुमन से या फिर जेंट्स से भी जो ये काम करते हों, उनसे आप अपनी पसंद की एम्ब्रॉयडरी अपनी शर्ट्स पर करवा सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी का पसंद का अपनी कलर सेलेक्ट करके तो उस पर जो है इस तरह की एम्ब्रॉयडरी करवा सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स, सिर्फ एक बंच बना हुआ है शर्ट पर, और बहुत इनहेंस भी हो रहा है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये रिबन वर्क है, और इस शर्ट पर भी एक बंच बना हुआ है, ये रिबन वर्क एम्ब्रॉयडरी है। उसके साथ थोड़ी सी डंडी टांका आई थिंक ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इसके साथ, तो बहुत स्टाइलिश है। और ये टॉप देखने व्यूअर्स, ये भी फुल एम्ब्रॉयडर्ड है और बहुत प्यारा लग रहा है। जीन्स के साथ इन्होंने पहना हुआ है। इस तरह की कुर्तीस और टॉप जो हैं जीन्स के साथ ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। प्लेन पेपलम टॉप है, और सिर्फ स्लीव्स पर जो है एम्ब्रॉयडरी हुई भी है, और उसी की वजह से ये बहुत स्टाइलिश लग रहा है। तो व्यूअर्स, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी करवाएं, आप छोटे छोटे बंचेस को, छोटे मोटिफ्स जो हैं उन्हें अपने शर्ट पर इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। आजकल मार्केट में आपको ये मोटिफ्स भी ईजिली मिल जाते हैं एम्ब्रॉयडरी, जिन्हें आप अगर अपनी शर्ट्स पर लगाएं तो ऐसा लगता है कि एम्ब्रॉयडरी आपने करवाई हुई है। तो ठीक है व्यूअर्स, ये भी काफ़ी अच्छा आइडिया है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है कोई ऐसी वुमेन जो आपको एम्ब्रॉयडरी करके दे सके, और ये तो काफ़ी मुश्किल होगा कि मैं आपको ये बता सकूं कि ये सारी शर्ट्स जो हैं ये कहाँ से आप ले सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये डिफरेंट ब्रांड की होती हैं, मल्टी ब्रांड्स की ये शर्ट्स होती हैं। ये तो मैं आपको नहीं बता सकती कि ये शर्ट कहाँ से मिलेगी, ये शर्ट कहाँ से मिलेगी। मैं आपको जस्ट डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ दे सकती हूँ, और जो चीज़ें मुझे पता होती हैं कि कहाँ से मिलेंगी, वो मैं आपको अपनी वीडियो में ज़रूर बताती हूँ कि आप इसे कहाँ से बाय कर सकते हैं। व्यूअर्स, इसके अलावा आप लोग तो अपनी सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में देते रहिए कि मज़ीद आप हमारे चैनल पर क्या देखना चाहते हैं। और व्यूअर्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला इसकी मोनेटाइजेशन को सलामत रखे। यूट्यूब आजकल बहुत सख्ती कर रहा है। हमारी फैमिली में कुछ मेरी फैमिली मेम्बर हैं, मेरी सिस्टर्स हैं, कज़न हैं, उनके चैनल डीमोनेटाइज कर दिए हैं बगैर किसी रीज़न के, बगैर किसी वजह के, और वो बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। उनकी हालत जो है मैं आपको बता नहीं सकती वो कितनी परेशान है। और इवन कि मेरी जो मदर हैं वो इस एज में भी जो है वो दिन रात मेहनत करती थी कि इवन कि उनका चैनल बहुत अच्छा चल रहा था। इसी तरह से आप लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे थे जिस तरह आप मेरे चैनल को करते हैं, मुझसे भी ज़्यादा। तो व्यूअर्स, उनका चैनल डीमोनेटाइज कर दिया है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। तो मेरी दुआ है आप लोग दुआ कीजिए उनके लिए और मेरे लिए भी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।